हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का कब्र सफाई है, कब्र सफाई करने जा रहे हैं, जो कि शमशान बोलते हैं। कब्र साल में एक बार सफाई होता है, तो कि झाड़ी हो जाता है पूरे साल में, तो झाड़ी को काटेंगे। तो आज आप लोग को दिखाता हूँ हम लोग का कब्र सफाई कैसे होता है। ये रहा, ले लिया हूँ हथियार काटने के लिए, देख सकते हैं। आज अभी कब्र पे ले जाऊँगा आप लोग को दिखाने के लिए। इधर से आगे है, इधर ऐसे है हमारे गांव के आसपास का किया जा, देख सकते हैं। इधर जंगल है, बस यहाँ नजदीक ही है हम लोग का कब्र। हम लोग का तीन कब्र है, पहले ये वाला सफाई करेंगे, फिर आगे उसके बाद तीसरा, लगभग 1 किलोमीटर पड़ेगा। चलिए कब्र के पास मिलेंगे। दोस्तों आ चुका हूँ हमारे कब्र पे, देख सकते हैं। इसे झाड़ी हो चुका है, ये झाड़ी सब कटना है, मेरा ये सबको काटेंगे। ये झाड़ी हो रहा है, ये पहले लोग दफन हुए थे, दफन के ऊपर में पत्थर बिछाए थे, यही सब है, यही सब काट रहे हैं अभी। इधर देख सकते हैं काट रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ का सफाई का काम हो गया, ये शमशान का कब्र। अब अगले चलेंगे, देख सकते हैं यहाँ का कितना भी झाड़ी तक काट दिए। ये जो मिट्टी भर रहा है, जो दफन किए हुए थे, तो काफ़ी साल का है, तो गड्ढा हो गया था, उसको भर रहा है ताकि पता चले कि यहाँ कोई पहले दफन हुआ था, ताकि दोबारा यहाँ पे दफन ना हो पाए। ये झाड़ी इधर इकट्ठा किए हैं काट के, अब चलेंगे अगले शमशान पे। आगे लोग जा रहे हैं आगे वाले पे, मैं पीछे हूँ, ये दो चार लोग हैं मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। हमारे गांव में, गांव नहीं मतलब बस्ती में, 14-15 घर हैं। उन लोग का दूसरा कब्र है, काम कर रहे हैं। अभी मैं भी काम शुरू करूँगा सफाई। ये झाड़ी है, ये झाड़ी सब काटना पड़ता है, साल में एक बार सफाई करते हैं। सारे हमारे भैयाती लोग हैं, सारे एक साथ काम करते हैं। ये दूसरा है, तीसरा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में है, वहाँ चलेंगे, वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं। दोस्तों दूसरा कब्र भी हम लोग साफ कर दिए, देख सकते हैं मेरा। अभी ये जा रहे हैं सब लोग अगले शमशान पे, अभी सफाई कर दिए, अब अगले चलेंगे। काफ़ी दूर पे है, अभी 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा, काफ़ी गर्मी है। चलो ये रहा मेरा हथियार सफाई करने वाला, चलते हैं आगे। काफ़ी धूप है इधर, 4-5 दिन से ठंड भी नहीं है,
सुबह शाम को ठंड लगती थी, और भी नहीं, दिन में तो पूरा धूप है, पसीना पसीना हो गए। चलो ठीक है, अगले मिलेंगे अगले पे। ये तीसरा कवर है हम लोग का, हम पहुंच गए हैं, काम शुरू कर दिए। छोटा सा है ये, बहुत पुराना कब्र है, यहाँ पे दफन नहीं करते हैं आजकल, वहीं सामने वाला दोनों कब्र में दफनाते हैं। चलिए ठीक है, काम कर लेते हैं सफाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ का काम भी कंप्लीट हो गया हम लोग का, देख सकते हैं। ख़त्म कर दिए आप इधर गड्ढे पे पानी है, वहाँ पे जा रहे हैं, हाथ मुंह धो लेंगे, जो नहाने वाले लोग नहाएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, फिर जाएंगे अपने घर को, और एक जगह इकट्ठा होके सब लोग जो भी खाना पीना होगा वो सब खाएंगे। देख सकते हैं इधर से, इधर है गड्ढा, तालाब जैसा है छोटा सा, वहीं पे पानी है, वहीं पे नहाएंगे। मैं तो कुछ भी नहीं लाया, नहीं नहाऊंगा, बस हाथ पैर धुल के जाऊंगा, घर पे ही नहाऊंगा। ये देख सकते हैं पूल है, पूल पे पानी इकट्ठा कर रखे हैं। धूप बहुत है, पसीने पसीने हो गए काम करते करते। पानी है मेरा, सो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके बताइए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स क्या है वंदे मातरम।